सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतलाब मंदिर के पावन प्रांगण में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से 9 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु चलाए गए संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ग्रीन पार्क की मीरा बहन, रेखा बहन, भाई नीरज चोपड़ा, भाई राकेश कुंद्रा, सियाराम, गौरव प्रभाकर, विमला देवी, महरम सीमा बहन, जन्नत, मोनिका महे और दीपक महे, श्री शिव मंदिर मोता सिंह नगर के पंडित संतोष शास्त्री, पंडित वीरेंद्र शास्त्री, पंडित जगन्नाथ, पंडित प्रद्युमन तिवारी, श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, एएल धवन, नरगिस बत्रा, अनुराग अग्रवाल, अंशुमनपुरी, आरसी शर्मा, महेंद्र प्रताप, पंडित राजीव शर्मा, पंडित रमेश शर्मा, पंडित संदीप शर्मा, श्री राधाकृष्ण मंदिर ज्योति नगर के पंडित राजकुमार, करण गोयल, संजीव शर्मा, काव्या, ध्रुव शर्मा, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, संदीप शुक्ला, पंडित सोमनाथ पाठक, पंडित ओम प्रकाश, पंडित रामकिशोर, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित राधेश्याम, पंडित लक्ष्मण, मोहन पांडे, पंडित सुरेश, सत प्रकाश, मनोहर लाल चौडा, तरसेमलाल चौडा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस तरह श्री राम नवमी की शोभा यात्रा 9 तारीख को श्री देवी तारा मंदिर से निकाली जा रही है। उसमें शिव मंदिर मोता सिंह नगर से सभी भक्तजन अपने अपनी टोलियों को लेकर साथ झांकियां लेकर के सम्मिलित होंगे। बढ़ चढ़ के सभी लोग इसमें भाग ले। जय श्री राम। मैं अनुराग अग्रवाल गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन तो सभी माता के भक्तों को ये आग्रह करता हूँ कि 9 तारीख को 9 अप्रैल दिन शनिवार को बढ़ चढ़कर श्री देवी तालाब मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा में भाग लें। हम भी अपनी सभी कमेटी मेंबरों के साथ सभी भक्तों के साथ बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हे माई सच्चिया ज्योता वाली माता जी वाली सदाई, देवी तला के भास्कर वाली माता जी वाली सदाई, जगन्नाथपुर वाली माता जी दा ओ सच दरबार की जय। राधा कृष्ण मंदिर ज्योति नगर में नाम राजकुमार, 9 तारीख को देवी तालाब में चढ़ भर के हिस्सा लेंगे। बहुत सी आपकी रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। आज गीता मंदिर माल टाउन के प्रांगण विच श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ तो जो निमंत्रण देने वास्ते टीम एकत्रित हुई है वो सारे का इतने असं स्वागत करते हैं, जो कि 9 अप्रैल वाले दिन रामनवमी शोभा यात्रा पिछले 2-3 साल तो जो कोविड करके नहीं निकल सकी, इस साल बड़ी हुम हुमा के देवी तालाब के प्रांगण तो निकल रही है। उस सारी संगत को बेनती करते हैं कि हुम हुमा के सारे उत्थे अपने परिवार नाल लैके पहुँचन, तो खास करके रामनवमी वाले दिन अपने घर लाइटा भी जगाउन, तो मंदिर तो वैसे सजने प्रभु की कृपा के नाल। उस दिन अष्टमी भी होनी है, अष्टमी करके सारे जदों कंजका पूजन तो बाद अपना रामनवमी जब शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। खास करके असी दैनिक सवेरा दे प्रबंधक कमेटी जी, दैनिक सवेरा टीवी या देवी दैनिक सवेरा टाइम्स के प्रबंधक जेडे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शीतल विज जी का भारी हाँ, क्योंकि जदों भी कोई भी काम गीता मंदिर में पंडित कोई हवन याग कर पिछले माघ महीने का हवन याग होया उत्थे भी इन्होंने रात को 9 बजे टैलीफोन किया, सवेरे इन्होंने इन टाइम सारी टीम की ड्यूटियां लगाइया। कहना पब जो भी कितों गीता मंदिर तो कोई संदेश जाता है ये सारे दैनिक सवेरा से हलचल टीवी वाले सारे अपना पहुँच के उन्होंने कवरेज पूरी देंगे। इन्हों का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गीता मंदिर स्वतंत्र सभा वालों आई हुई टीम का तहे मन धन्यवाद शुक्रिया जी आया आखदा जिन्होंने इस सदे वास्ते इत्थे आए कि शोभा यात्रा 9 अप्रैल में श्री देवी तालाब मंदिर तो निकलनी है और साडा फर्ज बनता कि असी उस शोभा यात्रा का पूरा पूरा मान रखिए और उस शोभा यात्रा दे हुंभ हुआ के पहुँचीए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये साढ़े सारे हिंदुओं का सारी जनता का सब का प्यार दुलार है कि ये शोभा यात्रा तुम लोग इन्ना महान बनाने और इन्नी याद करते हो और ये वास्ते सारे थोड़े कृतार्थ है। असी भी शोभा यात्रा अपने मंदिर वालों
ਹੁੰਬ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲਵੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਭਗਤਜਨੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋ ਯਹਾਂ ਭੇਜ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਇਸਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਸਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਮੇਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਬਿੱਜ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹਰ ਧਰਮ ਕੇ ਪਰ ਹਰ ਉਤਸਵ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਸੇ, ਉਸਮੇਂ ਸਭ ਭਗਤੋਂ ਸੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹੁੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਦੇਤੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੰਗ ਉਤਸਾਹ ਕਾ ਯੇ ਉਤਸਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਸੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭੀ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇਸਮੇਂ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਫਲ ਬਣਾਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।